हेलो गाइस, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आरविनल ने जो 9 सितंबर को जूनियर केमिस्ट का पेपर कंडक्ट कराया था, उसमें राजस्थान जी के क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे, किस तरह का लेवल था, क्या पैटर्न था, कौन से टॉपिक्स से क्वेश्चन पूछे गए थे, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जिन लोगों का भी एग्ज़ाम अभी आने वाले दिनों में है टेक्निकल पोस्ट और नॉन टेक्निकल पोस्ट के लिए, तो वो ये वीडियो पूरा देखें जिससे कि आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल सके कि कौन कौन से टॉपिक आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करके ने हैं जिससे कि आपके स्कोर इम्प्रूव हो सके। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम अपने वीडियो की। और जिन लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपको जो भी नए नए वीडियोज़ आते रहें वो टाइम टू टाइम मिलते रहें। तो शुरुआत करते हैं हम क्वेश्चन नंबर एक से। क्वेश्चन नंबर एक, राजस्थान इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट से था कि ये कब एस्टेब्लिश हुआ या राजस्थान इन्फॉर्मेशन कमीशन, ये पर्टिकुलर पता नहीं है, तो मैंने दोनों ही चीज़ें कमेंट करने की कोशिश करी है। राजस्थान में जो डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन, जो डीओआईटी वगैरह है, जो आपकी एसएसओआईडी वगैरह को भी रेगुलेट करता है, वो डिपार्टमेंट सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर्स कहा जाता था। उसकी जो एस्टेब्लिशमेंट हुआ 1997 में हुआ, 2002 में ये डिपार्टमेंट ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन के नाम से चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और राजस्थान इन्फॉर्मेशन, मुझे जहाँ तक लगता है राजस्थान इन्फॉर्मेशन कमीशन का रिलेटेड क्वेश्चन आया था, तो इसकी स्थापना हुई हमारी 18 अप्रैल 2006 को, ठीक है। और चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो सबसे टॉप पोस्ट है इसकी राजस्थान इन्फॉर्मेशन कमीशन की, तो उसके जो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर है वो है डीबी गुप्ता। ये किसी न किसी आरविनल के कोई ना कोई एग्ज़ाम में पूछ लिया गया है, फिर भी अगर दोबारा पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, नागौर डिस्ट्रिक्ट की हाइट पूछी गई है सी लेवल से, जो अपने रेलवे स्टेशन होते हैं उनमें लिखा हुआ रहता है कि हाँ समुद्र तल से ऊंचाई, तो वो वाली हाइट पूछी गई है कि उसका क्या हाइट है। तो थोड़ा बहुत ज़्यादा एब्रप्ट क्वेश्चन हो गया, लेकिन थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको। 302 मीटर है, 991 फीट भी बोल सकते हैं, जनरली फीट में ही दिया हुआ रहता है जो भी रेलवे स्टेशन पर लिखा हुआ रहता है। जयपुर वगैरह इन थोड़ा मेन सिटी की आपको एक अगर देख सकते हो तो देख लेना, नहीं तो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर तीन था, नेहरू बाल अवार्ड किस सेक्टर के लिए दिया जाता है। तो जो नेहरू बाल अवार्ड बोलो या बाल प्रोटेक्शन, मतलब बच्चों के संरक्षण के लिए दिया जाता है ये अवार्ड, तो ये किन को दिया जाता है, चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट को, जो कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करते हैं कि किसी भी बच्चों के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो रहा है या कोई भी शोषण हो रहा है, तो उन उसके लिए चाइल्ड राइट एक्टिविटीज़ को दिया जाता है। अब इसमें कि चलो ये क्वेश्चन तो आ चुका, आप आपसे पूछ सकते हैं कि एनुअल फाइनेंशियल बजट कितना है इसका, मतलब कि जो भी बर्डन है, जो वित्तीय भार पड़ेगा सरकार को, राजस्थान गवर्नमेंट को, वो है 5.59 लाख, ठीक है, 5.59 लाख रुपीज़ का एनुअल फाइनेंशियल बर्डन पड़ेगा आपके राजस्थान गवर्नमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, ये सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर स्थित है। तो जो सीता माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ दोनों की एरिया में आता है, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आपको अवेलेबल होगा 5 ऑप्शंस में से वो आपको करना है, या तो हो सकता है प्रतापगढ़ एंड चित्तौड़गढ़ कम्बाइंड फॉर्म में ही आ जाए, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर फाइव था कि रूपारेल रिवर कहाँ पर है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन मेरे को मिला नहीं तो मैं सारी चीज़ें कवर कर रहा हूँ उसको। तो रूपारेल रिवर का दूसरा नाम, जो रूपारेल नदी है उसका दूसरा नाम बारा रिवर भी है, ये यमुना रिवर की ट्रिब्यूटरी है, मतलब कि यमुना की सहायक नदी है। कहाँ से निकलती है, ओरिजिन कहाँ से, अलवर से, अलवर में उदयनाथ की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ से निकलती है। अब अलवर से भरतपुर होते हुए ये यूपी में जाती है, एंटर करती है। और यूपी में क्या है कि जो आगरा से मथुरा का बीच का रास्ता है उसमें रूपारेल नदी आपकी यमुना नदी में मिल जाती है, तो आपको ये ध्यान रखना है। अलवर से भरतपुर, भरतपुर से यूपी, और यूपी में आगरा और मथुरा के बीच में जो यमुना नदी जहाँ पर है, यमुना में रूपारेल नदी मिल जाती है। क्वेश्चन नंबर सिक्स था हमारा कि राजस्थान की ऐसे मीठे पानी की झील बतानी है जो राजस्थान की सबसे बड़ी हो और भारत की दूसरी बड़ी हो, और कृत्रिम झील, मानव निर्मित झील जिसको भी बोल सकते हैं, है ना, वो बतानी, कृत्रिम झील बतानी थी आपको, कृत्रिम झील, ठीक है। तो
वो है जैसमन झील, ठीक है, तो ढेबर झील भी इसको बोलते हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, ये कृत्रिम झील है, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जो आपका फॉरेस्ट और एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट है, उसके अधीन राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम चलाया है, ठीक है। ये क्वेश्चन शायद जेईई मैकेनिकल में पूछा गया था कि कौन सी ऐसी झील है जो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं है, तो जो सम्मिलित हैं वो पढ़ लेते हैं। हम राजस्थान की 5 झीलें सम्मिलित हैं, उसमें से पहला नाम है आपका आनासागर की झील, अजमेर में जो है। सेकेंड आपका पुष्कर सरोवर, जो पुष्कर में, ये भी अजमेर के पास में ही है। तीसरी और चौथी ये उदयपुर की झीलें हैं, पिछोला और फतेह सागर। पाँचवीं झील आपकी नक्की झील, माउंट आबू में है। तो 4 झीलें उनमें दे रखी थी जो तो हैं संरक्षित में, और एक गड़ीसर झील है वो आपकी नहीं थी। तो ये हो सकता है ये दोबारा क्वेश्चन पूछ लिया जाए, ठीक है, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 कि बनी ठनी शैली कहाँ से, किससे रिलेटेड है, तो ये किशनगढ़ शैली, जो स्कूल है उसको शैली बोला जाता है, किशनगढ़ शैली से है ये, तो बहुत फेमस क्वेश्चन है तो आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, मारवाड़ फेस्टिवल कब आयोजित किया जाता है और कहाँ आयोजित किया जाता है, तो जोधपुर में आयोजित किया जाता है सितंबर अक्टूबर में, ठीक है, सितंबर अक्टूबर के महीने में आयोजित किया जाता है। और क्योंकि ये लेटेस्ट करंट अफेयर का ही है, क्योंकि सितंबर अक्टूबर की बात हो रही है, तो ऑब्वियसली कि आपसे क्वेश्चन दोबारा भी पूछा जा सकता है। और ये 19, 20 और 21 में तो 12, 13 अक्टूबर को ही आयोजित किया गया है। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो फुल मून डेज होते हैं, जब चांद पूरा पूरा होता है शरद पूर्णिमा के दिनों में, तब ये चीज़ आयोजित करी जाती है मारवाड़ का फेस्टिवल। तो ये 2019, 2020 और 2021 में तो 12, 13 अक्टूबर को ही आयोजित किया गया है। तो हो सकता है कि कभी शरद पूर्णिमा का आपका फुल मून डेज अलग डेज़ पे पड़े, तो सितंबर अक्टूबर, तभी बताया है कि सितंबर अक्टूबर में होता है, जोधपुर में होता है। और किस चीज़ के लिए होता है, कि इन रिमेम्बरेंस ऑफ राजपूत हीरो, जो भी राजपूत हीरो थे जो पहले राजपूत के जो सेनाओं ने यहाँ पे जो राजस्थान की जो भी जितने भी युद्ध हुए हैं उनमें पार्टिसिपेट किया, उनकी याद में ये किया जाता है, मारवाड़ फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है जोधपुर में सितंबर अक्टूबर के महीने में। फिर क्वेश्चन था कैमल फेस्टिवल से, कैमल फेस्टिवल कब आयोजित किया जाता है, 12 और 13 जनवरी, 2 दिन आयोजित किया जाता है बीकानेर में, ठीक है। और आपको ये पता होना चाहिए, जो इसका कैमल से रिलेटेड रिसर्च सेंटर है वो जोहड़ बीड़ में, वो भी बीकानेर में ही है, ठीक है। और कैमल को स्टेट एनिमल कब घोषित किया गया, 2014 में, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछ लिया गया अभी पिछले शिफ्टों में, तो हो सकता है रिपीट हो जाए, तो आपको ध्यान रखना ये बात। फिर एक मरु महोत्सव, RCDF का पेपर हुआ था अभी थोड़े दिन पहले, उसमें पूछा गया था कि मरु महोत्सव जैसलमेर में आयोजित होता है, वो कौन से महीने में आयोजित होता है, तो आपको हो सकता है इसमें पूछ ले मरु महोत्सव कहाँ आयोजित होता है, जैसलमेर में होता है और ठंड के दिनों में होता है, फेबररी के मंथ में, लगभग फेबररी में आयोजित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 आपका पूछा था लोकसभा की टोटल सीट, तो लोकसभा की टोटल सीट 543 है, हो सकता है आपको राज्यसभा की पूछ ले, या लोकसभा का स्पीकर कौन है, जो माननीय श्री ओम बिड़ला जी हैं अपने कोटा क्षेत्र से ही, ठीक है, तो ये चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। आपको पूछ लेंगे कि राजस्थान जो राजस्थान से कितनी राज्यसभा की सीटें होती हैं, तो 10 सीटें होती हैं और राज्यसभा की टोटल सीटें हैं 245 है, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आपको आसपास का आइडिया होना चाहिए। ऐसा ही जैसे कि जो इन्फॉर्मेटिक असिस्टेंट और C&I के पेपर में किसी में पूछा था कि आपकी लोकसभा को आपका ये बोला जाता है, ANIT के पेपर में पूछा था कि लोकसभा को आपका लोअर हाउस या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, तो आपका राज्यसभा को क्या बोला जाएगा, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऐसा बोला जाता है उसको। क्वेश्चन नंबर 11 है कि बीसल देव रासो की रचना किसने करी है, किसके द्वारा लिखी गई है, तो नरपति नाले ने ये रचना लिखी है। तो आपको राजस्थान साहित्य की जितनी भी पुस्तकें हैं उनका बेसिक आइडिया होना चाहिए, जैसे सूर्यमल मिश्रण की वंश भास्कर है, ठीक है, और बाकी और भी आपकी जो भी लिटरेचर है राजस्थान का, उसका आपको आइडिया होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12 था कि ढोला मारू की कथा किसने लिखी है, तो ये जो कथा है वो कवि कल्लोल द्वारा लिखी गई है, और एक इसका महाकाव्य भी चलता है, काव्य रूप मतलब जो गद्य पद्यांश टाइप वाला, वो किसी और ने लिखा है। तो जो कथा है वो तो कवि कल्लोल ने लिखी है, और दूसरा वाला चीज़
वो एक जैन कवि थे, उन्होंने लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। सबसे पुराना और सबसे लंबा चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा है? तो ये बिजोलिया किसान आंदोलन है, 1897 से 1941, टोटल 44 वर्ष तक चला है। तो या तो टोटल टाइमिंग पूछ रहे हैं कि कब से कब तक, टोटल टाइम कितना, 44 साल तक चला है। इसमें जनक जो है वो साधु सीताराम दास ने स्टार्ट किया, तीन चरणों में चला है। प्रथम चरण आपका साधु सीताराम दास, द्वितीय चरण आपका विजय सिंह पथिक, तीसरा माणिक्यलाल वर्मा ने। ठीक है, जो जो काव्य, ये इसका काव्य था वो कश्यप, ऐसे कुछ नाम है जो जैन कवि मैंने बताए थे, कश्यप ने लिखी है। ठीक है, आप एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। कथा वाला मैंने बता दिया, कवि कल्लोल है। बाकी जो महाकाव्य वाला है, जो जिसमें चौपाइयाँ वगैरह है, वो किसी और ने लिखा है, एडिशनल जो चौपाइयाँ लिखी है। 1857 की क्रांति के समय, जो क्वेश्चन नंबर 14 है, ये कोटा से नेतृत्व किसने किया है, जो कोटा छावनी थी? तो लाला जयदयाल और मेहराब खान ने आपका नेतृत्व किया है उस टाइम पर, 1857 की क्रांति में। आपकी टोटल 6 छावनियाँ थी, ये आपको ध्यान रखना है। छावनियों के नाम जैसे नसीराबाद, कोटा, एरनपुरा, ये टोटल 6 छावनियाँ थी, तो आपको पता होना चाहिए इस चीज़ का। कंगना रानावत का जन्म कहाँ हुआ ये पूछा था, तो भंबला टाउन है एक, भंबाला, ये हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। ये लगभग जो भी मूवीज़ वगैरह देखते हैं थोड़ा बहुत आइडिया होगा कि हिमाचल से है कंगना रानावत। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा था आपका, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कंजर्वेशन प्रोजेक्ट किस, मतलब कहाँ शुरू किया गया? ठीक है, कौन से सेंचुरी में स्टार्ट किया गया? तो डेजर्ट नेशनल पार्क है हमारा, डेजर्ट नेशनल पार्क सेंचुरी है। ठीक है, जो जैसलमेर और बाड़मेर के अंदर पड़ता है, मतलब दोनों के एरिया में आता है। ठीक है, अब जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसको गोडाउन भी बोलते हैं अपना, उसके लिए एक एक बार जो कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ वाइल्ड लाइफ एनिमल्स के लिए, जो CMSSC की फुल फॉर्म है, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज, COP 13, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हुआ था 13 में, आपका मस्कट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड था, ये आपको पता होना चाहिए। तो इस तरह से पूछा जा सकता है कि COP 13 आयोजित हुआ, उसमें आपका जो मस्कट था वो कौन था? तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गिब्बी भी वो बोला था इसको शॉर्ट में। इसका जो साइंटिफिक नेम है ग्रेट गोडाउन का हमारा, एरडियोटिस नाइग्रिसेप्स। ठीक है, एरडियोटिस नाइग्रिसेप्स, ये आपका साइंटिफिक नेम है इसका, ये भी पूछा जा सकता है। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस थे, और भी मतलब इतने क्वेश्चन मेरे को मिले हैं, बाकी एक आधा क्वेश्चन मुझे जहाँ तक याद आ रहा है इस तरह से था कि जो भी आपके चंबल के बीहड़ हैं वो राजस्थान के अलावा कहाँ कहाँ पर है, तो यूपी में भी थोड़ा बहुत बीहड़ का पार्ट आता है और आपका MP में भी आता है। तो आपको जिस तरह से ऑप्शंस मिले थे उस तरह से आपको डिसाइड करना था, और कि आपके जो घड़ियाल हैं वो कहाँ पर मिलते हैं राजस्थान में, ऐसे कौन से जो अभयारण्य हैं जहाँ पे घड़ियाल पाए जाते हैं। तो जैसे वैसे तो नेशनल जो अपना पार्क है, नेशनल चंबल पार्क, जो मोस्टली आपका यूपी में रहता है, और थोड़ा बहुत भाग पार्टी MP में भी है, और MP में है, और थोड़ा बहुत पार्ट राजस्थान में है, नेशनल जो घड़ियाल पार्क है या सेंचुरी बोल सकते हैं, अभयारण्य जो है। और बाकी आपका भैंसरोड़गढ़ जो अभयारण्य है चित्तौड़गढ़ में, उसमें भी आपके घड़ियाल पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो चंबल नदी के आसपास का एरिया है वहाँ को, और तो वहाँ पे ये जो घड़ियाल है वहाँ पे आराम से आपको मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से कुछ कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी जितने क्वेश्चंस शेयर किए हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि थोड़ा बहुत आपके पुराना भी पूछा गया है, थोड़ा बहुत नया भी पूछा गया है। ठीक है, तो अपनी तैयारी को अच्छे से करिए, जिनका भी अभी हाल फिलहाल में एग्ज़ाम है, और अच्छे से पेपर दीजिए, जितना आपने पढ़ लिया वो सफिशियंट है। बाकी जो भी आपको GK क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं उसके हिसाब से अपनी वो टॉपिक्स प्रिपेयर करिए और रिवीजन करिए। और वीडियो को पूरा पूरा देखने के लिए धन्यवाद। अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, जिससे कि आपको वीडियो टाइम टू टाइम मिलते रहे। धन्यवाद।